अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है, देखो अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या थी, मतलब वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो हमने डिस्कस करी थी, वो क्या थी, उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, एक क्लस्टर बन जाता है काफ़ी सारे आइटम्स का, तो उसके वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो अगर बॉयल करना चाहें तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है ताकि वो पहले हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटें और उसके बाद उसका टेम्परेचर राइज हो। सिमिलर इज द केस हेयर, अगर हमारे पास मान लो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, H यहाँ पे R-, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस टाइप से होगी, हो गए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसके वजह से क्या होगा, एटम्स का क्लस्टर बनना शुरू हो जाता है और इसी क्लस्टर के वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी बढ़ जाता है। तो इसलिए हम ये कह पाते हैं कि एल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। ठीक है, ये तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ हम उसके लिए रिएक्शंस तो देखेंगे ही। एक सिंपल सी केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी एसिडिटी, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इनका एसिडिक नेचर, अगर इसको थोड़ा सा स्टडी करें तो एक चीज क्लियर आती है, क्लियर होके आती है सामने, वो क्या, देखो एसिड तो ये थी, हमारी बात हुई थी, और इसका एसिडिक करेक्टर कैसे चेक करा था, इसका कॉन्जुगेट बेस निकाल के, जो कि कुछ इस टाइप का था, ये था ना। तो इससे हम बात करेंगे कि भाई एसिडिक करेक्टर कैसे डिपेंड करेगा कि अगर कोई और फैक्टर चेंज कर दे तो। यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन तो बनना बनना है, अगर आप यहाँ से H प्लस आयन निकालोगे, प्रोटोन निकालोगे, बट अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि ये एल्काइल ग्रुप, इसमें कुछ भी हो, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खींचने लग जाए, इसको हम कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। अगर ये माइनस आई इफेक्ट शो करे तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने लग जाएगी, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस होगी तो उसके वजह से ये कंपाउंड और ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि अगर R माइनस आई इफेक्ट शो करता है देन इट इज हाईली एसिडिक। मतलब अगर नॉर्मली कोई R है, अगर R कोई नॉर्मल R है और कोई R-डैश है, R-डैश अगर नेगेटिव आई इफेक्ट शो करता है तो इसका मतलब R-डैश वाली एसिड ज़्यादा एसिडिक होगी। ये चीज़ क्लियर हो रही है, ठीक है, इसी टाइप से हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। फिर इस चीज को आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के वजह से है, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास दुख हैं, ढेर सारे दुख इकट्ठे हुए हुए हैं इस ग्रुप के पास, CO ग्रुप के पास। अगर इसके पास कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जो उसके दुख बांट सके, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सके, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। और कोई अगर ऐसा ग्रुप आ जाए जो उसके दुख ना बांटे तो वो कम एसिडिक होगा। बस सिंपल सी ये बात है। अगर कुछ इसका उल्टा ही हो जाए कि यहाँ पे वो उसको और दुख दे, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, प्लस आई इफेक्ट शो करे, तो प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला तो इसको और अनस्टेबल बना रहा है ना, तो इसका मतलब वो और कम एसिडिक हो जाएगा। तो इस टाइप से हम एसिडिटी को कंपेयर कर सकते हैं। इस पे बेस्ड आपके दो तीन एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे आप एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, इसमें क्या दे रखा है, एसिडिक करेक्टर, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में मैं अरेंज करना है इसको। बेंजोइक एसिड है 4, नाइट्रो बेंजोइक एसिड है 3, 4 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, और लास्ट इज 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। अब इन चारों चीजों में आप एक चीज देखो कि है तो सारी बेंजोइक एसिड, डिफरेंस क्या है उनके सब्सिट्यूएंट्स का, जहां पे बात कर रहा था आर, यहाँ पे तो चलो आर हो गया। सपोज मेरे पास बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, COOH। अब मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 पोजीशंस हैं, इन 5 पोजीशन में मैं सब्स्टिट्यूट करके एक या मोर देन वन सब्स्टिट्यूट करके फंक्शनल ग्रुप्स को अलग अलग एसिड्स बना सकता हूँ। वही इन्होंने किया हुआ है, पहले तो सिंपल बेंजोइक एसिड हो गई, दूसरी हो गई 4-नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तीसरी हो गई, उसमें 2 नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिए 3 और 4 पोजीशन पे। तो आप एक चीज सोचो कि जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है, मतलब कि उसका इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव होता है,
इंडक्टिव इफेक्ट से वो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करता है। और अगर डाइनेट्रो जैसे सेकंड केस में है, थर्ड केस में 3,4 डाइनेट्रो बेंजोइक एसिड, तो इस केस में तो ये मेटा इफेक्ट क्या बोलते हैं हमारा रेजोनेंस इफेक्ट भी शो करेगा ना, माइनस आर इफेक्ट, माइनस आर कॉमा माइनस आई। ये नाइट्रो ग्रुप की प्रॉपर्टीज हैं कि जहां तक पॉसिबिलिटी है ये दोनों इफेक्ट शो करेगा, माइनस आर मतलब रेजोनेंस इफेक्ट से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और इंडक्टिव इफेक्ट से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है जो दुख कुछ ज्यादा ही बांट रहा है। अब जितने ज्यादा दुख बांट रहा है तो उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ना इसका कॉन्जुगेट बेस, तो इस वजह से एसिड उतनी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इन सब में 3,4 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें ही दो ग्रुप हैं जो दुख बांटने वाले हैं। इससे कम करें तो 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, उसमें ग्रुप तो है बट एक है, तो इसलिए वो सेकेंड नंबर पर आ जाएगा, थोड़ा कम एसिडिक हो गई। थर्ड हो गई बेंजोइक एसिड, मतलब इसमें कोई भी ग्रुप नहीं दुख बांटने वाला, ये अपना न्यूट्रल है कि जितना एसिडिक है ये है, इसका ना कोई दुख बांट रहा है ना कोई इसको दुख दे रहा है। लास्ट इज 4 मिथोक्सी बेंजोइक एसिड, इसमें क्या चक्कर है, मिथोक्सी ग्रुप क्या होता है, मिथोक्सी ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, लेकिन फोर्थ पोजिशन पे है, कोई खास बात नहीं है। दूसरी चीज प्लस एच कह लो, प्लस आर कह लो, बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हमारा जो मिथॉक्सी ग्रुप है, सॉरी मिथॉक्सी ग्रुप क्या होता है, ओ सी एच थ्री, तो इंडक्टिव इफेक्ट को तो भूल जाओ क्योंकि फोर्थ पोजीशन पे है ना ये, तो उसको तो भूल जाओ। चीज क्या बची, चीज बची रेजोनेंस, तो रेजोनेंस से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, क्योंकि इसके पास ये लोन पेयर होता है, ये डोनेट कर देता है, तो इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो दुख दे रहा है उल्टा इस वाले ग्रुप को, जो हमारा इसका कॉन्जुगेट बेस होगा उसको दुख दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेबिलिटी कम कर देगा कॉन्जुगेट बेस की, और एज ए रिजल्ट इसकी एसिडिटी सबसे कम हो जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मिथॉक्सी वाला जो हमारे पास एसिड होगी दैट इज लीस्ट एसिडिक, एंड आफ्टर दैट इट कम्स बेंजोइक, देन 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, एंड देन 3,4 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपका ये एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है, वाई आर बोथ पी मिथाइल एंड एम मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स आर वीकर देन फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनाइल नहीं सर, इट्स बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड विद द पी एसिड बीइंग वीकर वन। इसमें हमें ये बताना है कि भाई ये तो हमारी एक सिंपल सी बेंजोइक एसिड है, जैसे हम पिछले एग्जाम्पल में बात कर रहे थे। अब इसमें हमने क्या करा, मिथाइल ग्रुप एक बार तो एम पे सब्स्टिट्यूट करा, और दूसरी बार क्या करा, इसी ग्रुप को हमने पी पे सब्स्टिट्यूट करा, तो हमारे पास ये दोनों एसिड्स हो गई। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों एसिड्स में से ज़्यादा स्टेबल, मतलब ज़्यादा एसिडिक कौन सी है, प्लस दोनों में से ये दोनों कम एसिडिक हैं नॉर्मल बेंजोइक एसिड से, एंड यू हैव टू गिव इट्स रीज़न। देखो रीज़न तो क्लियर है कि ये दोनों कम एसिडिक क्यों हैं, क्योंकि ऐसे मेरी बात हुई थी अभी, मैंने गलती से बताया था ऐसे, यहाँ पे तो मिथॉक्सी था, मिथाइल ग्रुप के लिए क्या होता है, मिथाइल ग्रुप में ये इंडक्टिव इफेक्ट तो आप इसका भूल जाओ, सिर्फ इसमें इंडक्टिव इफेक्ट शो होगा। देख लेते हैं, चलो प्लस आई इफेक्ट शो करता है मिथाइल ग्रुप, मतलब ये दुख दे रहा है, ये तो दुख नहीं देगा ना क्योंकि ये तो दूर है, तो इसलिए ये प्लस एच इफेक्ट शो करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब कुछ भी हो मिथाइल ग्रुप जो है हमारा दुख देगा ही देगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, हर तरह से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कार्बन जो हम इसका कॉन्जुगेट बेस होगा उसको अनस्टेबलाइज करेगा, एंड दैट्स व्हाई बोथ ऑफ देम विल बी लेस एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। तो इसका ये सिंपल सा रीजन है। आप ना बस ग्रुप को देखो कि जो ग्रुप उसमें हमने नया लगाया है वो उसको एसिडिक बना रहा है या नहीं बना रहा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, विदड्रॉ कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, बस उसके नतीजे से डिसाइड हो जाएगा कि आइदर इट इज मोर एसिडिक और लेस एसिडिक, ठीक है। तो ये सिंपल से एग्जाम्पल थे। एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत आसान है, इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि फिनॉक्साइड आयन के, जो हमारे पास फिनॉक्साइड आयन होता है, ओ माइनस, ये हमारे पास फिनॉक्साइड आयन होता है, ये तो बात हुई थी पहले कि ये एसिडिक होता है,
अब ये पूछ रहे हैं कि फिनोक्साइड आयन जो है दैट इज उसके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो काफी होते हैं एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलेट आयन, मतलब इन दोनों आयन्स को कंपेयर किया गया है कि अगर इन दोनों आयन्स को कंपेयर करें तो द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज मोर इन दिस केस, बट स्टिल व्हाई इट इज मोर स्टेबल। क्या कहा इन्होंने, इन्होंने बेसिकली एक कॉन्ट्रोवर्सी शो करने की कोशिश की है जो आपके माइंड में आ सकती है। हालांकि ये बहुत सिंपल सा केस है कि फिनोक्साइड आयन के पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलेट आयन, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन में तो सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर होते हैं ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक बार ये नेगेटिव चार्ज इधर है और एक बार इस वाले ऑक्सीजन पे है, तो दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए, बट इस केस में इट इज़ मोर देन टू। और ये बात पहले हुई थी कि जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उतने ज़्यादा ही स्टेबिलिटी होती है, बट यहाँ पे उल्टा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस केस में कम है पर स्टेबल ये है। भाई इसी का रीज़न बताना है, इसका रीज़न ये है कि आपने ये तो सोच लिया कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ज़्यादा ही स्टेबल होगा कंपाउंड, बट आप एक चीज मिस कर गए, क्या कि जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, मतलब एनर्जी पे तो डिपेंड करेगी ना स्टेबिलिटी, कि जितनी कम एनर्जी होगी उतना ज़्यादा स्टेबल या फिर जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना कम स्टेबल। तो एक बात देखें कि इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस वन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। व्हाई? बिकॉज देखो इसमें जब भी नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा वाय रेजोनेंस तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन जो है दैट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो इस वजह से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, वो कम स्टेबल हो जाएंगे ना, क्योंकि एक तरह से जो उस एटम पे आप नेगेटिव चार्ज दे रहे हो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है ही नहीं। और बट यहाँ पे क्या केस है, यहाँ पे है जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है सिर्फ उन्हीं को नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, मतलब हाईली स्टेबल। तो दिस इज बेसिकली द रीज़न कि नंबर ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर कम होने के बावजूद भी इट इज हाईली स्टेबल एज कम्पेयर टू फिनोक्साइड आयन। ठीक है, तो ये सिंपल से एग्जाम्पल है, इससे पहले के जो एग्जाम्पल है वो आप देख लेना, बहुत सिंपल से हैं जिनमें छोटी छोटी रिएक्शन बता रखी है। ठीक है, नाउ लेट